तो यहाँ का जो लोकल छाना पोड़ा है वो भी हम लोगों ने ट्राई किया। तो अगला दिन सुबह सुबह हम लोग अभी शिमलीपाल रिसोर्ट का सफारी के लिए जा रहे हैं। सुबह 7 बज रहा है, हम लोग रेडी होके निकल के आ गए और होटल के बाहर हमारा बोलेरो आके खड़ा हो गया। तो कल शाम को ही हम लोग सब खवरी रिसोर्ट में जाकर अपना डॉक्यूमेंट जो भी था वो सब हम लोग ने जमा कर दिया। तो अभी जंगल में जाएंगे, शायद एंट्री होगा और फिर वहाँ से बहुत सारा पॉइंट्स है जो हम लोग को भैया है और वहाँ से शायद हम लोग को एक गाइड भी मिलेगा, वो हम लोग को सारा जगह दिखाएगा। अब कितना कॉस्ट लगा नहीं लगा वो मैं आपको ट्रिप का एंड में बता दूंगा कि कितना हम लोग का टोटल खर्चा लगा। तो चलिए अपना शिमलीपाल फॉरेस्ट का सफारी स्टार्ट करते हैं। का 1.5 घंटा लगा हम लोग को शिमलीपाल का वो जो एंट्री गेट है वहाँ तक पहुँचने में। और यहाँ पे अभी वो सब स्टैम्प वैम डॉक्यूमेंट जमा देना है और फिर यहाँ से हम लोग ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, फिर सफारी के लिए जंगल में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा रेट वेट सब दिया हुआ है, एंट्री फी कितना है पर पर्सन एवरीथिंग। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो ये है हमारा एंट्री परमिट। तो हम लोग जो इस गेट से एंट्री कर रहे हैं शिमलीपाल वो है जोशीपुर। यहाँ पे बुकिंग के लिए ना ज़रूरी नहीं है कि सबको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, एक जन को लीडर मतलब ग्रुप लीडर बोल दिया और बाकी जन को, बाकी जितना भी गेस्ट है वो लोग को अलाउ कर दिया। कोई फोटोग्राफ या कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक जन का आधार कार्ड का जेरॉक्स सबको जमा करना पड़ेगा। जो भी आपके लिए बुकिंग कर रहा है जंगल का सफारी का, उस बुकिंग एजेंट को आप दीजिएगा, एक जन का आधार कार्ड देने से ही हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबका अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके आना है। एक एक गाड़ी के लिए कितना लग रहा है, गाइड के लिए कितना लग रहा है वो मैं डे एंड में बोल पाऊंगा जब मेरे को टोटल बिल मिलेगा। आप चाहो तो अपना गाड़ी भी लेके आ सकते हो, बट यहाँ पे इट्स इज़ रिकमेंडेटरी कि आपका गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस मिनिमम 180 mm होना चाहिए, बिकॉज उसका नीचे यहाँ पे पूरा नीचे रास्ता में पत्थर वत्थर है तो आपका गाड़ी कहीं पर भी नीचे से लग के डैमेज हो सकता है। तो इट्स बेटर कि यहाँ पर आप अगर आ रहे हो, अगर आपके पास SUV है तो आप ठीक है अंदर अपना गाड़ी लेके जा सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे आप गाड़ी भाड़ा कर लो बोलेरो जैसे हम लोगों ने किया है और फिर यहाँ से जा सकते हो। और बांगड़ी पूछी से शिमलीपाल का जो एंट्री गेट है मतलब जहाँ पे टिकट काउंटर है, सॉरी एंट्री गेट नहीं टिकट काउंटर जो है, वहाँ पे आते आते हम लोग को 1.5 घंटा लग गया। और फिर यहाँ से हम लोग ब्रेकफास्ट करने जाएंगे सामने ही, और फिर वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग फिर फॉरेस्ट के अंदर घुसेंगे। तो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, तो खाना उतना भी तो अच्छा था नहीं, बट ठीक है अब यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है तो खाना खा लिया हम लोग। और यहाँ पे छाना पूरा भी ट्राई किए, ठीक ठाक था। फाइनली हम लोग शिमलीपाल एंट्री गेट में पहुँच गए। If you are fantastic, do something drastic to cut plastic. यहाँ पे अभी पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है गेट वेट का। फाइनली हम लोग शिमलीपाल जंगल में एंटर कर चुके हैं, अभी हम लोग फर्स्ट वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, उसकी वाटरफॉल्स। उसकी वाटरफॉल जाने के पहले ही हम लोग एक जगह पे रुके जहाँ से पूरा वो खैरी नदी बह रहा है और वो इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और पानी देखिए पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी, देखिए अपना फर्स्ट स्पॉट
ये रिवर साइड पूरा बड़ा बड़ा बोल्डर रखा हुआ है। हम लोग का गाड़ी यहाँ पे रुका है और यहाँ पे आके हम लोग ढेर सारा फोटो खींच रहे हैं, सबको यहाँ पे फोटो वोटो खींच रहे हैं। बहुत सुंदर है ये जगह। पानी यहाँ पे बहुत ठंडा है और यहाँ पे फॉल्स के सामने आके ना बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। अब हम लोग यहाँ पे जो रेलिंग दिख रहा है आपको, रेलिंग का बाहर अलाउड नहीं है आना, बट फिर भी सबको यहाँ पे जितना भी लोग है सबको यहाँ पे देखिए सब बाहर आ गया है, तो हम लोग भी आ गए फोटो वोटो खिंचाने के लिए। यहाँ से ये फॉल्स और खूबसूरत लग रहा है, देखिए पानी यहाँ पे बहुत ठंडा है। तो उसकी वाटरफॉल से हम लोग वापस आ गए हैं, फिर अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरा वाटरफॉल में, तो वहाँ पहुँचते फिर आपको दिखाते कि वो जगह कैसा है। 1:10 हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे अभी लंच करने के लिए उतरे हैं और यहाँ पे लंच का 2 रेस्टोरेंट दिख रहा है। यहाँ पे खाना वाना मिलता है, नॉनवेज वेज दोनों चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। अब खाना का क्वालिटी कैसा है, रेट कैसा है, वो आप लोग को दिखा दूँगा, बट यहाँ पर इसका अलावा और कोई भी होटल वोटल कुछ नहीं है जहाँ पर आप खा सकते हो। अब यही दो जगह है जहाँ पे आप यहाँ पे आपको वेज नॉन वेज दोनों टाइप का खाना मिल जाएगा। चलिए खाते हैं और खाना का क्वालिटी और प्राइस क्या है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो दुर्गा होटल में हम लोगों ने अपना कूपन काट लिया है। वेज थाली है 100 रुपया, चिकन थाली है 200 रुपया और पाता पोड़ा चिकन जो है पत्ता में वो रैप करके चिकन यहाँ पे एक रेसिपी बनाया जाता है, उसका प्राइस है 60 रुपया, जिसमें 5-6 पीस चिकन मिलेगा। तो हम लोगों ने 6 वेज थाली ले लिया और 3 प्लेट वो पत्ता का पत्ता को लपेट के जो चिकन का रेसिपी बनाया जाता है वो ले लिया है। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, रेस्टोरेंट तो 2 है बट यहाँ पे टॉयलेट एक भी नहीं है। मतलब स्पेशली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द लेडीज़, अगर लेडीज़ हम लोग लड़का लोग तो ठीक है आपको पता ही हम लोग कहीं पर भी हल्का हो सकते हैं, लेकिन गर्ल्स लोग के लिए एकदम टॉयलेट का कोई भी व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट जो टॉयलेट है वो डायरेक्ट सिमली जो हमारा जो वाटरफॉल्स है बरिया पानी वाटरफॉल्स वहाँ पे टॉयलेट है। अब इन बिटवीन अगर किसी को थोड़ा हल्का होना है या फिर जाना है लोग के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत है। और दूसरा बात है जो रास्ता है ना बहुत ऊबर खाबड़ है, बहुत ज़्यादा ऊबर खाबड़ है। मतलब एक गाड़ी में, मैं तो हमेशा बार बार बोलूँगा, एक गाड़ी में अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो मैक्सिमम एक गाड़ी में 4 जन ही आना, जो पीछे बैठेगा उसके लिए बहुत दिक्कत होने वाला है। तो ये अपना नॉनवेज थाली, चिकन, एक आलू का सब्जी, आलू चोखा, साग, दाल, पापड़, चावल और ये हम लोग का पाता पोड़ा चिकन, चिकन को फ्राई करके पत्ता में दिया है। लंच किए, खाना कैसा था? खाना अच्छा था, काफी अच्छा था खाना। चिकन कैसा था? चिकन बहुत ही अच्छा था, एकदम अच्छा नहीं था। पाता पोड़ा चिकन वाज गुड बट इट वाज टू बोनी, मतलब उसमें चिकन बहुत कम था, खाली हड्डी था। वेरी च्यूई एज वेल। समझ में आ गया आप लोग को? आधा आधा था, आधा कच्चा था, सबसे अच्छा नहीं था। आप लोग सबको रिव्यू मिल गया खाने का, मैं अलग से कुछ नहीं बोल रहा। बहुत अच्छा था मील में जो एडेड चिकन है, वाज वेरी टेस्टी। मील का चिकन सही में बहुत अच्छा था, पाता पोड़ा चिकन उतना अच्छा नहीं था। अभी जा रहे बहरे पानी वाटरफॉल्स, राइट? बहरे पानी वाटरफॉल्स जा रहे, वहाँ पहुँचते हैं, 3 किलोमीटर है यहाँ से, वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर वो वाला वाटरफॉल्स आपको दिखाते हैं। चलिए जहाँ से लंच किए वहाँ से बहरे पानी वाटरफॉल्स बस थोड़ा सा, मतलब हार्डली 15-20 मिनट लगा। हाँ, रास्ता बहुत पतला था बट फाइनली हम लोग बरे पानी वाटरफॉल्स आ गए। एक चीज़ है यहाँ पे, फाइनली आपको लेडीज़ लोग के लिए टॉयलेट, प्रॉपर टॉयलेट मिल जाएगा।
ये वाला वाटरफॉल उसकी से भी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये बहुत दूर है उसकी में, जैसे हम लोग उसके सामने तक पहुंच पाए थे, लेकिन ये वाला देखिए दूसरा वाला पहाड़ में है, लेकिन ये वाला वाटरफॉल ज़्यादा सुंदर है उसकी से। फाइनली हम लोग कोर एरिया, जंगल का कोर एरिया पे घुस चुके हैं और चाहला वॉच टावर की तरफ जा रहे हैं। अभी देखिए थोड़ा घना हो गया है, चाहला और 3 किलोमीटर है यहाँ से। सीधा क्या है दादा? सीधा सीधा तुलसी बोनी। अच्छा, वो भी कोई वॉच टावर है क्या? नहीं। तो फाइनली हम लोग अपना सिमलीपाल फॉरेस्ट टूर का लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, चाहला वॉच टावर। चलिए चलते हैं, देखते हैं अगर कोई जानवर ओनर हम लोग स्पॉट कर सकते हैं कि नहीं, और वॉच टावर के ऊपर से भी थोड़ा आसपास का जंगल को देखते हैं। बट हाँ ठीक है, अगर जानवर नहीं भी दिखाना, बट जो फॉरेस्ट का जो फील था वो एकदम मस्त था, तो इसके लिए भी ये जगह आना एक वर्थ इट है। ये और यहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सामने डियर है, चलिए देखते हैं, एटलीस्ट फॉरेस्ट में कुछ तो देखने को मिला। यहाँ पे कैंटीन टाइप का भी है, हम लोग को तो हिरन छोड़ के और कुछ दिखा नहीं, बट ठीक है, जो जर्नी जो एक्सपीरियंस था फॉरेस्ट के अंदर आने का, और ओवरऑल जो फॉरेस्ट है इतना डेंस फॉरेस्ट में, तो वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अभी तो शाम भी हो गया, सूरज भी ढल गया, अंधेरा होने वाला है, तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे और होटल की तरफ जाएंगे। तो सिमलीपाल फॉरेस्ट का जो हम लोगों ने कल ट्रिप किया, गाड़ी के लिए हम लोग को लिया 5,000 रुपीज़, जो गाड़ी हम लोग को होटल से पिकअप करके लेके गया, सिमलीपाल में पूरा टूर कराया और फिर होटल में ड्रॉप कर दिया। अलग से पर हेड आपको 100 रुपीज़ करके देना पड़ेगा एंट्री फीस, और गाड़ी और ड्राइवर का भी आपको 100 रुपीज़ करके देना पड़ेगा। अब सिमलीपाल फॉरेस्ट में जाके वहाँ पे गेट में खड़ा होके आप अपना टिकट कटा सकते हो, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। बट अगर होटल से आप बुकिंग करा रहे हो तो पर हेड आपको 50 रुपीज़ करके देना पड़ेगा। वहाँ पे 30 रुपीज़ एक देना पड़ेगा, जहाँ पे वो आपको एक कैरी बैग देगा, ताकि जंगल में आप कुछ भी गंदा वंदा ना करो, और उसी में आपको जो भी अगर जंगल के अंदर आप कुछ खा रहे हो या पानी पी रहे हो तो पानी का बोतल आपको वहीं पर फेंकना पड़ेगा। और रहा बात, वहाँ पर आप गाइड भी ले सकते हो, हालाँकि हम लोग का एक बोलेरो गाड़ी था, तो 6 जन ही बैठ, हम लोग पूरा टोटल 6 जन थे और 6 जन ही उस गाड़ी में बैठ सकते थे, तो गाइड हम लोगों ने लिया नहीं। इनकेस अगर आप लोग गाइड ले रहे हो तो गाइड का 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा, और वो आपको गेट में ही पेमेंट करना पड़ेगा, वो अलग से पहले आपको कहीं पे देना नहीं पड़ेगा। तो सिमलीपाल का सब मिला के हम लोग का कॉस्ट 6 जन का गाड़ी एंट्री फी सब कुछ मिला के 6,200 रुपीज़ हम लोग को लगा। और गाड़ी कहाँ से मैंने बुकिंग किया था उसका नंबर और नाम मैं फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। जो रिसोर्ट में हम लोग रुके थे, होटल सिमलीपाल या फिर सिमलीपाल रिसोर्ट जो था, लेडीज़ लोग का यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और होटल कैसा था, वो मैं आपको एक बार उनका मुंह से आप लोगों का सुन लीजिए। हेलो, हम लोग यहाँ पे 2 नाइट्स के लिए थे, तो सबसे पहले तो मुझे प्रॉब्लम हुआ कि हम लोग को जो कैटेगरी ऑफ रूम प्रॉमिस किया गया था उसके लिए हम लोग को काफ़ी लड़ना पड़ा, बहुत आर्ग्यूमेंट डिस्कशन के बाद हम लोग को अपना प्रॉमिस्ड कैटेगरी मिला। तो आई थिंक ट्रिप में आने के बाद ऐसा डिस्कशन आर्ग्यूमेंट्स थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है, जो कि हम लोग कोई नहीं चाहते हैं। दूसरा चीज़, हम लोग का खाना बहुत टेस्टी है लेकिन बहुत प्राइसी है, तो
तो व्हेनेवर आप लोग अगर और इन लोगों का कोई सेट मेनू कार्ड नहीं है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन जानबूझ के ये करते हैं। जानबूझ के क्या करते हैं, आपको ऐसे डिशेस का नाम बताएंगे जो कि मेनू कार्ड में है नहीं, तो आपको कस्टमाइज करके, जैसे तंदूरी चिकन हुआ, उसका तंदूरी चिकन बटर मसाला बना दिया, उसका प्राइस रख दिया 800 रुपया और बोल दिया कि 6 जन के लिए 3 प्लेट चाहिए, तो वहीं पे आपका हो गया 2400 रुपया का सिर्फ एक साइड डिश। हालांकि 3 प्लेट 10 जन खा सकते हैं, 3 प्लेट 10-12 जन खा सकते हैं। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हुआ अपने को जज करने में कि कितना क्वांटिटी फूड लगेगा, और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग का ये खाना अच्छा है, वो खाना अच्छा है, फिर बिल बनाते हैं 9-9.5-10 हज़ार का सिर्फ खाने का अलग। सो ये दूसरा थिंग मुझे लगा थोड़ा सा चीटिंग जैसे हो गया अपने साथ। दूसरा चीज़, रूम का अमेनिटीज एकदम ठीक नहीं है, ड्राइवर रूम दे दिया हम लोग को, एक तो हम लोग को ड्राइवर जैसा रूम दे दिया जिसमें घुसते ही आपको बेड पर चढ़ जाना पड़ेगा, कोई कबर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, टॉयलेट्स गंदे हैं, बेड शीट्स, बेड लिनन, आपका पिलो कवर, जैसे मेरे पिलो से तो पूरा रुई निकल गया, रुई था भी नहीं अंदर, ऐसे कपड़ों के टुकड़ों से तकिया बना हुआ था। सो पूरा पिलो कवर फटा हुआ, बेड शीट्स गंदा, रूम गंदा, टॉवल उन लोगों का सब गीला 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 टॉवल। सो ओवरऑल स्टे का एक्सपीरियंस एकदम अच्छा नहीं था। हम लोग यहाँ पे इसलिए रुके थे क्योंकि इस टाइम पे 25th के टाइम पे यहाँ पे कोई बुकिंग कहीं पे अवेलेबल नहीं है, तो ये हम लोग का लास्ट ऑप्शन था। हम लोग को आना था दोस्त लोगों के साथ तो हम लोग आए हैं, फैमिली के लिए तो नहीं है। बैचलर लड़के अगर क्रैश करने आए तो सोच सकते हैं, अदरवाइज रिकमेंडेड नहीं है ये स्टे। अगर आप आ रहे हो तो पहले दूसरा जगह ट्राई करो, कहीं नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे अच्छा से पहले पता कर लीजिए सब कुछ, उसके बाद ही आइए। और अगर रेट का बात करें तो हम लोगों ने जो पहला दिन 4-bedded रूम लिया था उसका रेट था 3000 रुपीस, और उसके बाद वो ठीक था, जस्टिफाइड था। उसके बाद जो हम लोगों ने डबल बेड रूम लिया उसका प्राइस था 1500 रुपया, उसमें भी कोई अम्यूनिटीज़ नहीं था, वो थोड़ा सा बड़ा था। और उसके बाद जो हम लोग को ड्राइवर रूम दिया गया था उसका इन लोगों ने चार्ज किया 1200 रुपया, हालांकि उस रूम के लिए यहाँ पे 100 रुपया देना भी मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, चलो जो भी है, हम लोग का तो कट चुका है, बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग का ना कटे इसलिए पहले से आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते। Yeah.